हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया है। फ्रेंड्स, अभी नहा धो करके कंप्लीट हो गई हूँ। ऐसे सीधा सीधा क्यों बैठा है? सीधा सीधा। और दोस्तों, आज अचार डालने का काम बाबू किया है, छत पे डाल के आया है दीदी के साथ, तो थोड़ा सा कम्प्लीमेंट इसको मिल जाए। टंकी के ऊपर रख दिया है, छत में जा करके टंकी के ऊपर में रख के आया है अचार को, क्योंकि मैं थी थोड़ा सा बिजी और रोज़ रोज़ सीढ़िया में नहीं चढ़ती हूँ, मुझे थकान होती है, तो बच्चे जा करके डाल आते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कामों को निपटाना। और अभी फ़िलहाल मैं थी बिजी। नाश्ता वगैरह तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है और हमारे इधर का वेदर, वाह क्या कहें, इतना ज़्यादा धूप है दोस्तों कि क्या ही बताऊं। रूम के बाहर तो क्या, रूम के गेट तक भी जाना जैसे कि बहुत दिक्कत होता है, धूप बहुत ज़्यादा हो रखा है। अभी 9 बज रहे हैं टाइमिंग, और चलिए मैं अपने बालकनी से आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा धूप है। हालांकि अभी अचार बनाने का जो टाइम है बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और 2 से 3 दिन में अचार जैसे कि बन के रेडी हो जा रहा है तुरंत के तुरंत। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बाहर से, बाहर का व्यू दोस्तों। ये देखिए कि अभी मॉर्निंग का टाइम है और इतना ज़्यादा धूप हुआ है आज हमारे इधर। टेम्परेचर का कहना नहीं है दोस्तों, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है और धूप गर्मी इतना ज़्यादा हो रखा है। फ़िलहाल बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ तो हो गई हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो इस बात की चलिए खुशी है कि इन दिनों जैसे बच्चे घर पे हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं मॉर्निंग में नहा धो करके पूजा कर ली हूँ, तो यहाँ पे धूप बत्ती मैं लगाती हूँ कभी कभार। हालांकि ये 100 प्लांट है, ये तुलसी जी का पौधा नहीं है दोस्तों, लेकिन इसी पे मैं लगा देती हूँ क्योंकि इसका धुआं जो है बाहर की ओर जाता है, इस वजह से इस गमले पे ही रखती हूँ। और दोस्तों, ये देखिए मेरा छोटू सा तुलसी जी का प्लांट है जो कि मैं अभी अभी तुरंत लगाई हूँ, और ये बहुत अच्छे से अभी ग्रो नहीं किया है क्योंकि बिल्कुल न्यू प्लांट है, तो इसको ग्रो होने में अभी टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं इस गमले में ये धूप बत्ती वगैरह नहीं लगाती हूँ। और ये गमला भी जो है प्लास्टिक का है, इस वजह से भी नहीं लगाती हूँ। तो देख लिए दोस्तों आप लोगों ने कि बाहर का व्यू कैसा है, धूप बहुत ज़्यादा है। अपने सेहत और अपने फैमिली का खूब सारा ध्यान रखें दोस्तों, धूप के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें आप लोग। तो नाश्ता हमारा हो गया है दोस्तों, और मैं अब बनाऊंगी खाना। तो देखना है पहले तो फ्रिज में कि मैं कौन कौन सी सब्जियां अभी रखी हूँ। हालांकि बाहर तो नहीं जा रही हूँ, मार्केट की ओर मैं नहीं जा पाती हूँ, तो जो भी सब्जी होगा तो मैं उसको अभी पहले बनाऊंगी तो दोपहर के लंच में, उसके बाद आगे आगे आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा, क्योंकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेरी किचन की ओर, और देखती हूँ कि मैं कौन सा सब्ज़ी अभी बनाने वाली हूँ। हालांकि रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है, गर्मी इतना ज़्यादा है कि किचन में रहना जैसे कि मेरे लिए एक टास्क हो जाता है, और मैं जल्दी से फटाफट से बना करके मैं किचन से बाहर आ जाऊँगी और रेसिपी वगैरह मैं कोई शेयर नहीं करने वाली हूँ। तो आई होप कि आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे देखिए कि मैं एक लौकी निकाल के रखी हूँ जिसको मैं बनाने वाली हूँ आज दोपहर के लंच में। और लौकी का सब्ज़ी किनको किनको पसंद है प्लीज़ बताइएगा, और मेरे घर में सिर्फ मुझे ही लौकी का सब्ज़ी पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को पसंद है, बच्चे तीनों के तीनों नहीं खाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ अलग से बनाऊँगी, आलू का भुजी वगैरह बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से किचन के कामों को निपटाते हैं और निकलते हैं किचन से बाहर, क्योंकि गर्मी धूप तो ऐसा ही हो रखा है। इधर दूध में रखी थी बॉईल होने के लिए, जो कि हो चुका है, दूध जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें छाली वगैरह आ गया है, तो मैं इसको अभी थोड़ा देर कवर करके ऐसे ही रख दूँगी बाहर में ही, ये ठंडा होने तक। उसके बाद में इसको मैं फ्रिज में ले जा करके रख दूँगी।
तो दोस्तों ये जो लौकी है मेरा लाए लाए 4-5 दिन हो चुका था और फ्रिज में ये ऐसे कैसे पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको बनाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा कट कर लिया है, क्योंकि पूरा तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बच्चे नहीं खाएंगे और ये लौकी भी लाए लाए 4-5 दिन हो गया था, तो कहीं से मुझे ये नहीं लग रहा था कि टेस्टी बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कि हार्ड नहीं होता है उसे ये हार्ड हो चुका था, तो मुझे लग रहा था इस पर कि ये गलेगा नहीं अच्छे से, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा कट करके ले लिया है, मीन्स आधा कट करके ले लिया है। और इसको मैं आधा ही बनाऊंगी, तभी मुझे संतुष्टि भी होगा कि चलो जैसे बना नहीं बना, आधा ही मैंने बनाया है। और तेल मसाला डाल करके फेंको ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से सब्जी को कट करते हैं और सब्जी बनाते हैं। और दोपहर का लंच में मैं आज लौकी का सब्जी, दाल, चावल और आलू का भुजिया बना रही हूँ, जो कि आलू का भुजिया मेरे बच्चे खाएंगे। मुझे आलू का भुजिया बिल्कुल से पसंद नहीं आता है, ग्रीन वेजिटेबल मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। और इसमें स्पेशल देखा जाए तो लौकी वगैरह भी खा लेती हूँ मैं, मुझे अच्छा ही लगता है। तो लौकी को मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और अभी इसको पानी में डिप करके छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं दूसरे काम को देखूंगी अभी, तो इसको तो मैं कट नहीं करूंगी। और हमारे में बोला जाता है कि लौकी को पहले से कट करके नहीं रखा जाता है, वरना ये गलने में और भी कठिनाई करने लगता है। तो चलिए जो भी काम था मेरा तो हो चुका था, तो मैं अब लौकी को कट कर लूंगी, उसके बाद इसको बना लूँगी। और दोस्तों जब से गर्मी आई, सुस्ती सुस्ती सा मौसम और मन भी रह रहा है। और चलिए फिर खाना बन के रेडी हो चुका है, बच्चों को मैंने खिला दिया है और आ गया है मेरा टर्म खाने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज़रा सा चावल, लौकी का सब्जी, आलू का भुजिया और प्याज कट करके ले लिया है दाल के साथ। तो यही है आज दोपहर का लंच मेरा, जो कि सर्व हो चुका है प्लेट में। और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिए दोस्तों, तब तक से मैं खाना खा लेती हूँ। और आ जाइए दोस्तों, ये शाम का टाइम है, मैं दीयाबत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि शाम तो हो चुका है और शाम के दीयाबत्ती के बाद ही मैं खाना वाना देखूंगी अपना कि मुझे क्या रात के डिनर में बनाना है। फिलहाल हमारे यहाँ जो है समस्या हो रखा है लाइट का, और दिन भर हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी जैसे कि जवाब देने लग गया था, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं रात के खाने में गर्मी में क्या क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, और ये सब दिमाग में चल रहा था। उसके बाद देखिए कि दीयाबत्ती के बाद जस्ट बाद में शाम को मार्केट की ओर गई थी, समर वाले कुर्तियों को मैं देखने के लिए, जैसे कि प्योर कॉटन वाले जो कुर्ती आते हैं उन सबको देखने गई थी कि मुझे एक आधादी मिल जाए तो मैं एक आधादी लेके आ जाऊंगी, जो कि यहाँ सब पर ने तो बहुत सारे दिखाए बट मुझे एक भी से पसंद नहीं आया, सभी के सभी रियोन कपड़ों में दिखा रहे थे। हालांकि रियोन कपड़े की कुर्ती मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, तो रियोन कपड़े में मुझे लेना नहीं था, और प्योर कॉटन वाली मैं खोज रही थी, वो सब ढंग का मुझे मिला नहीं। तो चलिए जो भी है तो देख लिया जाए, उसके बाद समझ में आएगा तो ले भी लूँगी, ऐसा मैं सोच रही थी। और ये देखिए दुकान से मैं निकल पड़ी थी, उसके बाद मोमोज वगैरह लेकर के डायरेक्टली मैं घर पे आ गई हूँ, और घर आने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। तो दोस्तों आज का जो भी ब्लॉग था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, दिन भर मैंने क्या क्या किया है उन सब का वीडियो निकाल के एक प्रॉपर वीडियो बना करके मैंने आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद ही आया होगा।
और रात के खाने में मैं क्या बनाती, ये इसका टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने हल्का फुल्का मोमोज वगैरह बच्चों के लिए लेकर के आ गई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग का एंड कर देते हैं और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।